एनडीए के भीतर का कलह अब सतह पर आ गया है और आपने भी देखा सुना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मुकेश सहनी भी जिस तरह से नाराज़ हैं वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जीतन राम मांझी ने भी कई बातें कह दी हैं। आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जहां एक तरफ आपने देखा कि एनडीए की बैठक का बहिष्कार हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग लोग मुलाकात करते हैं। कभी जीतन राम मांझी के यहाँ मुकेश सहनी जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी अपने छत्रपों को भेजती है जीतन राम मांझी के पास और मूड का जाँच किया जाता है। इन सब के बीच में एक बयान जो आता है, एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि वो ऐसा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ करके और अपना मुख्यमंत्री बनाए। इस बार भी जिस तरह की हमारी स्थिति थी उस स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि 2015 में दुर्भाग्य था हमारा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, वरना नीतीश कुमार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इन सारी बातों के बाद सम्राट चौधरी ने जो कुछ भी कहा, वो किन परिस्थितियों में कहा ये अलग बात है, लेकिन उनके इस बयान का समर्थन कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि संजय पासवान हो या फिर अन्य नेता हो, सभी ने ये बात कही थी कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, अब भाजपा का टर्म आ गया है और नीतीश कुमार को स्वेच्छा से चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को दे दें। लेकिन इन सब बातों से आगे बात बढ़ गई है। अब इसी बात को लेकर के जदयू के तरफ से तल्ख बयान आए हैं। जदयू ने साफ तौर पे कहा है कि किसने रोका है अकेले चुनाव लड़ने के लिए, आप ही पीछे पीछे दौड़ करके चले आते हैं क्योंकि आपको अंदाज़ा है, आपको इस बात की का इल्म है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में आप नहीं आ सकते हैं। एक बार नीतीश कुमार ने आपका साथ क्या छोड़ा कि आप सत्ता से बाहर हो गए थे, फिर जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, लेकिन बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आपको दम है, हिम्मत है और अगर आपको लगता है तो किसने आपको रोका है, सरकार से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, आप चुनाव में अकेले अकेले उतरिए और आप अपनी भी हिम्मत और ताकत आजमा लीजिए। इन सारी बातों के बीच अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि एनडीए में सरकार भले ही साथ चल रही हो, लेकिन जो सामंजस्य और गठबंधन होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बड़ा ही मजबूत गठबंधन को रखा है और उनके एक आवाज़ पर सारे घटक दल जबकि सत्ता में नहीं हैं उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। कल भी आपने देखा कि प्रेस वार्ता के समय किस तरह से पूछा जा रहा था पत्रकारों से सवाल अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने बोल दिया, अब हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, जो तेजस्वी यादव का बयान है, जो उनका निर्देश है, हम उसके साथ चल रहे हैं। आप इतना ज़्यादा विपक्ष में एकजुटता अब तक नहीं देखे होंगे जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, कभी भी कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है क्योंकि नीतीश कुमार इतना ज़्यादा सहने और बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, कभी भी उनकी अंतरात्मा जाग सकती है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जो उसकी आंतरिक इच्छा है कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ करके बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, वो भी उसको मौका मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिहार विधानसभा के बीच सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या वो स्थितियां पैदा होंगी जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्या नीतीश कुमार जी उस स्टेज में आ जाएंगे कि उन्हें राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा देना होगा, जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र बनी हुई है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।